औरंगाबाद जिले के गेट स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। औरंगाबाद गेट स्कूल के मैदान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी ने दीप जलाकर किया। इस मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। इस मेले में 35 से 40 कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। कंपनी ने अपने मापदंड के अनुसार रिक्त पदों पर युवक व युवतियों को पदासीन किया। इस मेले में LIC, बजाज अलायंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, खेमका मोटर्स, स्वराज ट्रैक्टर, बजाज मोटर्स आदि कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले का आयोजन करने से बेरोजगार युवक युवतियों में काफी उल्लास छाया रहा। सरकार के द्वारा इस प्रकार का आयोजन करने से बेरोजगारों की संख्या में अवश्य कमी आएगी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ के युवा हैं और जो बेरोजगार हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी अवेल कराएंगे, जिसमें उनको मौका दिया जाएगा कि वो रोजगार के अवसर ले सकें। बहुत अच्छा है, भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली यह योजना है जो हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर देता है, प्रदान करता है। और इस रोजगार मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। कई अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं और उनमें इनका सिलेक्शन हो जाता है और इनका जीवन बन जाता है। इनको अनुभव मिलता है कि इस बार हम रोजगार मेले में गए तो कंपनियों की अर्हता, उनका क्राइटेरिया क्या था, उनकी चाहत क्या थी, किस तरह के लोग उनको चाहिए। तो इस तरह से इस मेले में आने से युवाओं को एक एक्सपोजर मिलता है, उनको एक अनुभव होता है